रहा है, चप्पल दे, चप्पल जल्दी दे। क्या बोल रहे तू भाई? रबड़ी के माल पोहे निकल रहे हैं। यस गाइस, अभी हम भांग पी रहे हैं। भांग पी के ना भाई खतरनाक होने वाला है। मेरे भाई चलो निकलना है। पिछले व्लॉग में तेरे को गुड मॉर्निंग किया था, अभी तक तू बाहर नहीं आया ये वाले व्लॉग में। नाज भाई गुड मॉर्निंग। चीयर्स भाई, चीयर्स। सुबह सुबह चाय की चुस्की। चप्पल दे, चप्पल जल्दी दे। क्या बोल रहे तू? जल्दी बोल। चप्पल नहीं मिलेगी, चप्पल दे, नहीं तो मैं सच्ची बोल रहा हूँ, तेरे शूज है ना उधर उधर किधर तो चले जाएंगे। अभी बोल, अभी ब्लॉग में बोल कि फेंक के दिखाओ, करके दिखाओ, फेंक के दिखाओ, करके दिखाओ। अभी इसकी तो लग गई, लेके भी तुमको आना पड़ेगा, देख ले। घंटा में लेके आएगा, घंटा लेके आएगा, घंटा लेके आएगा। मैं कुछ लेके नहीं आऊंगा। दे रहे गाली ब्लॉग में, गालियां दे रहे हो, बच्चे देख रहे हैं तुम्हारा ब्लॉग, ये दिखाओगे? बोल जल्दी बोल, लास्ट चांस, छोड़ दिया जाओ तुम। हेलो मिस्टर, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। पूरी तरह तैयार है हम भी और हमारे यार लोग भी। अभी नाश्ता करेंगे और यहाँ से जो चीज के लिए मुंबई से निकले है भाई, पुष्कर की होली। खतरनाक माहौल रहने वाला है। तो यहाँ से पुष्कर है ना 220 किलोमीटर है, ढाई से तीन घंटा। ब्रेकफास्ट करेंगे और सीधा पुष्कर पहुँचेंगे। भाई मतलब तेरे को कैसे लगते रहेगा ये एसी सीधा सीधा ऐसा तेरे पे आ रहा है? ये तो मतलब ऐसा सिकुड़ गया रहेगा ना सब कुछ, सब कुछ ठंडा हो गया, सब कुछ ठंडा हो गया रहेगा ना। ब्यावर में 5 मिनट का ब्रेक और धूप इतनी खतरनाक है ना भाई, तगड़ी गर्मी है, तगड़ी गर्मी मतलब तगड़ी खतरनाक गर्मी है। उसमें हम लोग पुष्कर में होली खेलने जा रहे हैं तो और भी खतरनाक होने वाला है। ये मात्र 5 से 10 कितना किलोमीटर अभी यहाँ से, और 80 किलोमीटर रहेगा मेरे हिसाब से, अगर 70-80 किलोमीटर है। चार। मतलब वो बादशाह होली स्पेशली ब्यावर का रहता है तो क्या है? मतलब कैसे, मेरे को किसी ने बताया कि मतलब कोई बादशाह है वो ऐसा पूरे निकलते हैं और फिर लोग, मतलब आपका होली सिर्फ गुलाल का रहता है, बाकी कुछ पानी वानी नहीं रहता ना? पानी वाला तो कल हो जाएगा। हाँ, बादशाह के दिन रहेगा, सिर्फ गुलाल से खेली जाएगी और बादशाह की सवारी निकलेगी। हाँ हाँ, ब्यावर के 4 गेट है। ओके, चारों गेट के अंदर होके अजमेरी गेट पे जाके खत्म हो जाएगी। अजमेरी गेट पे, अजमेरी गेट पे पूरी इसकी अलग से व्यवस्था है, जेंट्स की अलग से है। ओके, पूरी गुलाल से ट्रक भर के आएगा, गुलाल 2-3 ट्रक भर के आएंगे, ट्रक से उछाल सकते हैं, उछालते जाते हैं पूरा। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? मैं दिखा था अभिषेक कहाँ गया था, ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक मारते और फिर मैं दिखा था अभिषेक कहाँ गया था, वॉशरूम गया था तू। एक सिप मारता हूँ फिर जाके मैं आपको स्पेशली दिखाऊंगा अभिषेक अभिषेक कहाँ गया था, क्या इन्फॉर्मेशन लेने गया था ना, दिखाता हूँ। किधर गया था? वॉशरूम, वॉशरूम गया था तू? ये वाले दिखाते हैं हम आपको, दिखाते हैं अभिषेक कहाँ गया था। अरे ये वाले वॉशरूम में गया था, ये वाले घर के। हाँ वो घर है उधर, तू गया था वॉशरूम में। हाँ भाई लोग, यहाँ पे लिखा है स्पा सलोन। भाई अपना फाइंड आउट करने गया था ये किस चीज का स्पा है, क्या है ब्यावर में। अरे ये पीछे बैक पेन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। नहीं भाई वो बजाक वॉशरूम ही गया था, वॉशरूम ही गया था ना, आप लोग लगेगा हम लोग ये सब कुछ कर दिया, बस वो इधर रुके और दिखा स्पा है। मन तो क्या रहेगा तेरा? बॉडी मसाज 800 रुपये। अरे अभी देखो रेट भी पता है इसको। वेलकम टू अजमेर, वेलकम टू अजमेर। अजमेर सिटी में आप सबका स्वागत है। अभिषेक
वो देखो ऊपर है ना पहाड़ पे, वो सावित्री देवी का मंदिर है, केबल कार जाते हैं वहाँ पे। क्या बोलते हो पब्लिक, होली के लिए रंग पंचमी के लिए कलर से खेलने के लिए तैयार हो? तो वह पुष्कर में पहुंच गए, ये अपना पुष्कर का रूम और ये है अपना वॉशरूम और वो दूसरा रूम है, भाई लोग से भी मिल लेते हैं एक बार। ये है दूसरा रूम, भाई तो आके रात के लिए तैयार हो रहा है। भाई होली के टाइम है ना, लेकिन मैं कसम से बोल रहा हूँ होटल के रेट्स है ना भाई आसमान छूने वाले, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा रूम है और हम लोग ने है ना क्या ही बताओ जान दो बहुत ही ज़्यादा पैसा दिया है होटल के लिए, लेकिन रूम एकदम काफ़ी बेसिक है, लेकिन अवेलेबल ही नहीं था क्योंकि बहुत एंड मोमेंट पे ये प्लान बना है तो कुछ भी अवेलेबल नहीं मिल रहा था, सब कुछ फुल था। तो मैं आपको मिलाऊंगा, आप पहले वाले व्लॉग्स में भी ना आप देखेंगे ना पुष्कर वाले व्लॉग में, तो मैंने संदीप भाई को मिलाया आपको, तो उनका ही रिलेटिव का ही होटल है, तो कैसे वैसे हम लोग को दो रूम उन्होंने मैनेज करके दिए, अवेलेबल करके दिए, लेकिन मज़ा करना है तो जो है थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट ये वाले होटल में हम लोग को करना पड़ने वाला है। बाकी अभी थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं फिर जाएंगे पुष्कर मार्केट। वाह क्या ही व्यू है, बहुत ही बढ़िया, बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिख रहे हैं। तो भाई लोग पूरी तरह तैयार है हम लोग पुष्कर मार्केट जाने के लिए, अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, हम लोग को भनक भी नहीं है कि भाई उधर माहौल क्या रहने वाला है, अभी जाके देखेंगे। मैंने सबको बोल दिया है कि अपन होली के लिए आए यहाँ पे, अगर किसी ने कलर वलर अपने पे डाला तो अपने को मुंबई के जैसे झगड़ा नहीं करना है, भाई होली के लिए आए तो कलर वलर तो डालेंगे, आज रहेगा वो सब कुछ सीन पता नहीं, मार्केट जाते हैं माहौल चेक करते हैं और उसके बाद हम लोग को जाने का है यहाँ पे जो पुष्कर मेला का ग्राउंड है ना वहाँ जाने का है जहाँ पे होली का दहन होता है, मतलब आज है ना होली जलाते हैं और जो सब कुछ बुरी शक्ति है बुरी चीज़ें है ना उसको जला के एक अच्छी शुरुआत करते, तो वो जाके भी अटेंड करना है, तो पहले तो जाके पुष्कर मार्केट का माहौल चेक करते हैं। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, पुष्कर में सबसे पहली चीज़ क्या बनती है पुष्कर में आने के बाद, रबड़ी के मालपोहे। तो पहले भाई पुष्कर जैसे मार्केट में आए ना रबड़ी के मालपोहे याद आने लगे, जो दुनिया में सिर्फ पुष्कर में बनते हैं रबड़ी के मालपोहे, तो पहले जाके भाई, और माहौल तो खतरनाक है, भीड़ खतरनाक है यहाँ पे, पहले जाके रबड़ी के मालपोहे चखते हैं। तो मालपोहे तो सब जगह पे मिलते हैं लेकिन रबड़ी के मालपोहे नहीं मिलते, अपने यहाँ पे मुंबई में जो मिलते हैं ना वो मालपोहा बनाते हैं उसके ऊपर रबड़ी डालते हैं, ये जो रहता है ना भाई रबड़ी के मालपोहे रहते हैं, अलग ही रहता है ये। भाई रबड़ी के मालपोहे निकल रहे हैं अपने लिए, भाई कुछ करके रबड़ी के मालपोहे की तरस रहा था, मैं तरस रहा था ये चखने के लिए। गुलाल तो उड़ा रहे गुलाल उड़ा रहे, गुलाल है सिर्फ अलग अलग रंग का, फिर माहौल है भाई, वाइब है। तो सीन ऐसे है ना कि हम लोग के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया, हम लोग को लगा पुष्कर मेला ग्राउंड है ना वहाँ पे होली का दहन होता है, होली जलाते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे जो भी हो कल पार्टी है, डीजे है पूरा, पुष्कर की होली खुद जल जल के राख हो जाओगे। अभी वो होली का दहन अटेंड तो करना है हमको, आप लोगों को भी दिखाना है, तो वापस अभी मार्केट की तरफ जाते हैं, देखते हैं कुछ मिला तो ठीक है, नहीं तो अगर खत्म हो गया
कुछ है कि नहीं है पता नहीं, खूबसूरती बहुत है इधर, खूबसूरती बहुत है यहाँ पे, है ना। तो अभी यार थोड़ा लेट पहुंच गए यहाँ पे, पहले पहले इधर ही रुकते थे ना, तो होली का दहन जो था ना यहाँ पे प्रॉपर अटेंड करने को मिलता था, लेकिन हम लोगों को किसी ने बोला कि मेला ग्राउंड पे भी होता है, लेकिन ठीक है यहाँ पे पैर पड़ लिए अभी भाई खत्म स्टैमिना खत्म। भाई इधर देख इधर देख, मतलब ये अंधेरा है अंधेरा है, लेकिन हम लोग में आगे 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 हम लोग में होली सिर्फ भाई ये भाई खेल रहे, सब 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 जन आगे इसको ही कलर लगा रहे, हम लोग में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। The next day. तो यहाँ पे चल रहा है अपना एडिटिंग, भाई की होली शुरू हो गई है और यहाँ पे आई अपनी कुल्लड़ वाली चाय। इसके साथ गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुष्कर और सभी को हैप्पी होली। बाकी बाहर क्या माहौल रहने वाला है, क्या होने वाला है, हमको कुछ भनक भी नहीं है, पहली बार पुष्कर में होली सेलिब्रेट कर रहे हैं और ऐसे लग रहा है ना कि बाहर माहौल भाई खतरनाक रहने वाला है। तो थोड़ी देर में पूरा तैयार हो जाते हैं, नहाना वाना कुछ नहीं, बस पहन लेने के कुछ खास चीज़ें लाई है पहनने के लिए, वो पहनने का और निकल लेने का है इस साल की पुष्कर की होली सेलिब्रेट करने। हैप्पी होली मेरे भाई, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली मेरे भाई, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। आपने कलर वालर लिए नहीं अभी तक, जीरो कलर के लिए जीरो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हम लोग कलरफुल हो गए पहले ही, अरे इधर आप घूमेंगे ना जिसको चीज नहीं चाहिए ना वो भी भाई रंग से पूरा भर जाएगा, माहौल है कुछ नाश्ता कर लेते और फिर पूरा कड़ी कचोरी, कड़ी कचोरी, कड़ी कचोरी खाएंगे, मालपुए खाएंगे। अरे तू क्या क्या कर रहा है, तेरे तेरे लाइफ की बेस्ट होली।
लाइफ की बेस्ट होली, और अब तक ऐसा लग रहा है कि भाई सेफ होली भी है, इतनी भीड़ है, इतनी गर्दी है ना, लेकिन सब जन एक तमीज़ रख के होली खेल रहे हैं। फॉरेनर्स हैं उनको भी ज़्यादा तकलीफ नहीं दे रहे, वो लोग भी एकदम चिल है, मज़ा आ रहा है। तो अभी तक तो मैं बोलूँगा कि पुष्कर होली आ सकते हैं भाई खेलने के लिए। कलरफुल पोपट लग रहा है तू, कलरफुल पोपट। बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है अपना पुष्कर में का ब्रह्म मंदिर, जो कि इस दुनिया का एकमेव ब्रह्म मंदिर है। हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो आपको ना दुनिया में सिर्फ ब्रह्म मंदिर कहाँ पे भी नहीं मिलेंगे, आपको जहाँ पे भी मिलेंगे ना वहाँ पे ब्रह्मा महेश विष्णु का मंदिर मिलेगा। पुष्कर में पूरी दुनिया में एक ही ये मंदिर है जो सिर्फ ब्रह्म भगवान का मंदिर है। देखेंगे आज शाम को या कल सुबह दर्शन लेंगे। चेस, चेस। अभी ये भांग पी के मज़ा आएगा क्या? अभी मज़ा आएगा। चेस गाइस, अभी हम भांग पी रहे हैं, भांग पी के ना भाई खतरनाक होने वाला है। क्या बढ़िया भांग। ये अपनी भांग बन रही है, मजाक कर रहे हैं, गन्ने का जूस पी रहे हैं हम लोग। ये है गन्ने का जूस। भांग पीने का मन तो कर रहा है लेकिन डेरिंग भी हो रही है यार। क्या है, किधर कुछ गड़बड़ हो गई ना भाई, ज़िंदगी से एक दिन हम लोग का कम हो जाएगा। तो अभी हम लोग है ना, जो पुष्कर मेला का ग्राउंड है ना वहाँ पे आए, कल रात को जहाँ पे आए थे वहाँ पे कुछ भी नहीं था, और आज भाई खतरनाक, मतलब मैं हाथ से देख रहा हूँ ना भाई, मतलब पूरा भरा पड़ा है, फुल म्यूजिक बज रहा है, खतरनाक माहौल है। अभी अपुन बहुत ज़्यादा खेल लिए होली और अभी लगी है तगड़ी भूख। पीछे आपको लगते रहेगा कि बीच का माहौल है, पीछे बीच नहीं है, सिर्फ रेगिस्तान है। बाकी हम लोग प्रॉपर राजस्थानी ढाबे में बैठे हैं। कोई तो मुझे पूरी कोशिश कर रहा है कॉपीराइट देने के लिए व्लॉग में, लेकिन ठीक है, कोई तो चल रहा है कि भाई मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ और उसका गोप्रो रूम में ही है, ठीक है, कभी क्या कर कुछ कर नहीं सकते। बाकी अभी खाना खाएंगे और फिर सोच रहे हैं, ऐसा डिसीजन हो रहा है कि यहाँ पे है ना, ये साल दुबई तक का ही परमिशन है होली का, और हम लोग को वैसे भी कल कैसे भी करके मुंबई पहुँचना है। तो डिसीजन ऐसे ली जा रही है कि अगर सब कुछ बंद हो रहा है यहाँ पे, तो खाना वाना खाएंगे, होटल जाएंगे, रेडी होएंगे और शाम को ही निकल जाएंगे, जिधर पहुँचेंगे उधर पहुँचेंगे रात तक, ऐसा डिसाइड कर रहे हैं। अभी सब जन एक टीम मीटिंग होगी, उसके बाद प्रॉपर डिसीजन लिया जाएगा। ये खाना दिखाएगा कौन व्लॉग में, पेट में गया, याद ही नहीं रहता है मेरे को, इतना भूख लगती है ना। एक रोटी मुंह में गई छपा। दो रोटी मुंह में गई छपा। हाँ देखो उधर है, उधर है, उधर है, उधर है पीकॉक। ये दिल मांगे मोर, पूरा खोलेगा तो मजा आ जाएगा ना। हाँ। तो भाई बाकी तो पूरा नहा धो के रेडी है, सिर्फ ये चीज़ जा रही नहीं, और थोड़ा रहना भी चाहिए, लगना भी चाहिए कि पुष्कर की होली खेले। तो अभी का सीन ऐसे है ना कि हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि एक्चुअली कल निकलने का प्लान था, हम लोग को लग रहा था कि रात को भी यहाँ पे मस्त फुल पार्टी वार्टी रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक ये साल है ना, इन लोगों को दो बजे तक ही परमिशन मिली है, पुलिस वाले लोग ने सब बंद कर दिया है। तो अभी हम लोग को फिर ऐसे लगा कि यार 1200 किलोमीटर कल एक दिन में पहुँचना, कल तो मुंबई पहुँचना है, क्योंकि अपने को परसों है ना कुछ है, कुछ करना है, कुछ सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, तो कल तो मुंबई कैसे भी करके पहुँचना है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज निकले और आज थोड़ा डिस्टेंस कवर करें और फिर कल बाकी का और मुंबई पहुँच जाए। तो अभी मात्र आधे पौने घंटे में हम लोग निकल रहे हैं। बाकी भाई होली खेलने में, पुष्कर की होली खेलने में जो मज़ा आया है, खतरनाक, क्या ही बताओ आपको, बहुत ही खतरनाक सीन ऐसे ना कि अभी निकल रहे हैं यहाँ से, जहाँ तक अंधेरा होने तक जा पाएंगे वहाँ तक जाएंगे, फिर रुकावट के लिए खेत है वहाँ पे रुकेंगे, और कल मुंबई, एक साथ मुंबई जाने वाले नहीं है, अपने को रिस्क लेना नहीं है, क्योंकि थोड़े थके भी है, दिन भर होली खेले, थोड़ा आराम किया है। अभी बज रहे हैं
शाम के 5 बजे पुष्कर से निकल रहे हैं, क्योंकि आप पीछे माहौल भी देखेंगे ना, पूरा शांत हो गया अभी। अभी शाम को यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ होटल में रुकने से अच्छा हम लोगों ने डिसाइड किया है कि निकल लें।